कि मैं डरने वालों में से हूँ नहीं। इस तरीके के लोग जो महिलाओं के खिलाफ काम करते हैं उनके खिलाफ मेरी जंग जारी है। जय। स्वाति मालीवाल के घर पर हमला, गाड़ियों में तोड़फोड़, वीडियो शेयर करके दी जानकारी। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के घर पर हमला हुआ है। घटना आज यानी सोमवार सुबह की है। हालांकि हमले के दौरान स्वाति मालीवाल और उनकी मां घर पर नहीं थी। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने उनके घर के बाहर खड़ी गाड़ी तोड़ दी और घर में घुसने की भी कोशिश की। वहीं स्वाति मालीवाल ने कहा है कि वो उसकी शिकायत दिल्ली पुलिस से करेंगी। हालांकि हमलावर की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। उन्होंने एक ट्वीट किया, अभी कुछ देर पहले मेरे घर पर कोई हमलावर घुस आया और उसने हमला किया, मेरी और मेरी माँ की गाड़ी बुरी तरह से तोड़ दी और घर में घुसने की कोशिश की। शुक्र है मैं और मेरी माँ दोनों घर पर नहीं थे, वरना पता नहीं क्या होता। कुछ भी कर लो, मैं डरूंगी नहीं, दिल्ली पुलिस को कम्प्लेन कर रही हूँ। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, पिछले कुछ महीनों में दिल्ली में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो गया है। यहाँ तक कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा भी सुरक्षित नहीं है, खुलेआम कत्ल हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि एलजी साहिब थोड़ा समय कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए भी देंगे। पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया, ये अमित शाह के शासन में दिल्ली की हालत है, एक महिला नेता के घर सुरक्षित नहीं है, आम लोगों को तो कोई भी कहीं दबोच ले। पत्रकार पुनीत कुमार सिंह ने ट्वीट किया, दिल्ली पुलिस के राज में कानून व्यवस्था ताक पे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेन्द्र भारद्वाज ने ट्वीट किया, एलजी साहब इस कायराना हमले की जांच के आदेश कब देंगे? दिल्ली सरकार की फाइलों की जांच करवाने से थोड़ी फुर्सत मिले तो दिल्ली की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी ध्यान दे दीजिए। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमन दुबे ने ट्वीट किया, दुखद, आम आदमी की तरह रहने वाले और सलाह देने वालों के घर में चार चार गाड़ियां। नेशनल आरटीआई फोरम के सदस्य विनय चंद्र ने ट्वीट किया, जब आपकी ऐसी दयनीय स्थिति है तो फिर भारत में आम आदमी जो इस भ्रष्ट राजनीति से लड़ता है उसका क्या होगा। स्वाति मालीवाल ने इससे पहले पुलिस में शिकायत की थी कि उनको रेप की धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने बताया था कि मुझे मी टू पीड़ितों का समर्थन करने के लिए रेप की धमकियां मिल रही हैं। स्वाति का आरोप था कि जब से उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर साजिद खान के खिलाफ आवाज उठाई है तब से ही उन्हें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए धमकियां मिल रही हैं। आप दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के घर पर हमला होने की इस घटना को कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।